हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णवी प्ले स्कूल में। और आज मैं बनाएंगी तवा फ्राई बैगन, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। और सबसे पहले हम डंठल वाला पार्ट हटा देंगे और इसे गोल शेप में पतले पतले काट लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने दूसरा बैगन भी काट लिया है। और यहाँ पे दी गई सारे बैगन हमने काट लिए हैं। यहाँ पे एक बाउल में हमने पानी लिया है और बैगन को हम इसे पानी में अच्छे से डिप कर देंगे और अच्छे से मसल मसल कर पानी से इसे हम साफ कर लेंगे। और पानी से इसे अच्छे से निकाल लेंगे साफ करके। यहाँ पे हमने सारे बैगन को धो दिए एंड साफ कर लिए हैं और इसे चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से फैला लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे बेसन, जिसको मैंने छान के लिया है एक बाउल में। इसमें डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने बेसन को अच्छे से मिला लिया है। लास्ट में डालेंगे हम अजवाइन, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे और इसको भी मिला लेंगे। अब एक एक करके हम बैगन लेंगे और बेसन में इसे हम अच्छे से डिप कर लेंगे और अलट पलट करके अच्छे से बेसन में लपेट लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बैगन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लेट में सारे बैगन को प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पे और जो बाकी बैगन थे उनको भी हम एक साथ इसी में सेट होने के लिए रख देंगे। और चलते हैं अब बैगन हम फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, तवा में हम मीठा तेल डालेंगे। तेल को हम गरम हो जाने देंगे और एक एक करके बैगन डिप करते जाएंगे तेल में। और जब तेल गरम हो जाए आँच को हम मंदी कर लेंगे। इसके बाद बैगन डालेंगे एक दूसरी ओर से, एक ओर से अच्छे से हम पकाएंगे इसे। तब ये एक ओर से पक जाएंगे तो हम इन्हें अलट पलट करेंगे और इसे दूसरी ओर से पकाएंगे। यहाँ पे सारे बैगन को मैंने दूसरी ओर भी अलट पलट कर दिया है और ये बस पकाएंगे इसको 2 से 5 मिनट के करीब, ताकि एकदम क्रंची एंड क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे एकदम बैगन दोनों ओर से एकदम पक चुके हैं पूरी तरीके से। तो हम सावधानी से इसे प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार से ज़रूर बैगन फ्राई बना के खाइए। बारिश के मौसम में आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे आप हरी चटनी के साथ एंड केचप के साथ इसको सर्व करें।